तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका एक न्यू GTA 5 की वीडियो में। तो गाइस लास्ट वाले एपिसोड में आपको पता होगा जो अपना मैकेनिक है ना, उसका शोरूम यार पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था यार, वो भी अपने कर कर, क्योंकि यार उसने अपनी लंबोर्गिनी सियान से GPS वगैरह हटवाया था। और यार अब क्या ही बताऊँ मैं आपको, जो माफिया था जिसकी हमने लंबोर्गिनी सियान चुराई थी यार, उसकी सिक्योरिटी वालों ने यार उसके पूरा शोरूम को डिस्ट्रॉय ही कर दिया, क्योंकि यार उन्होंने बदला उतारना था पूरा कि इस बंदे ने यार उसकी कार में से GPS क्यों हटाया। और भाई वो तो जैसे तैसे करके निकल गया था अपने शोरूम से, और पर उसका शोरूम नहीं बच पाया। और देख रहे हो ये तो नहीं यहाँ की तरफ बैठे हुए हैं, और जिमी तो गेम ही खेलता रहता हर टाइम पे। तो सही है यार, अभी मैं सोच रहा हूँ जाऊँ लेस्टर के पास, क्योंकि यार अपने को एक न्यू शोरूम की तलाश है जो हम लोग उस मैकेनिक को दे सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा था यार तेरे ही चक्कर में मेरा पूरा शोरूम डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब तू ही मुझे दूसरा वाला शोरूम खरीद करके दे दे। और मैंने बोला ठीक है, जो भी तू गाड़ियाँ वगैरह उसमें से रिपेयर वगैरह करेगा उसमें से आधी पेमेंट मैं रखूँगा, और आधी जैसे गाइस 60% वो रखेगा और 40% हम लोग रखेंगे। तो सही है, अब हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में बैठते हैं और लेस्टर के पास चलते हैं। लेस्टर कह रहा था अपने को एक शोरूम चाहिए होगा, मैंने एक डीलर ढूंढा जो अपने को यार एक बढ़िया सा शोरूम वगैरह दिलवा सकता थोड़ा सस्ते में। तो सही है, लेस्टर से वही सब बात करेंगे कि भाई वो कौन सा बंदा है जो तू कह रहा था शोरूम वगैरह वो अपने को दे देगा सस्ते में। तो यार अपने को पैसे का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले यार मैं लेस्टर के पास चलने वाला हूँ, और वो कह रहा था भाई मैंने तेरे वेपन्स वगैरह भी अलग से निकाल करके रख दिए हैं, बढ़िया बढ़िया वाले जो माइकल को वो देगा। तो सही है, अब जो अपने पास इस टाइम पर वेपन्स है ये भी बढ़िया हैं, पर वो वाले कुछ ज़्यादा बढ़िया हैं जो लेस्टर ने निकाले हैं अपने लिए। तो सही है यार, जल्दी से मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, चलता हूँ सीधा लेस्टर के घर पर। तो गाइस देख रहे हो मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुंच चुका हूँ लेस्टर के घर के बहुत ज़्यादा क्लोज, बस अपने को यार सीधा जाना है। लेस्टर यार अपना वेट कर ही रहा होगा, क्योंकि मैंने उसको बता दिया था कि मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ यार, तू अपने वेपन्स वगैरह पूरे साइड में निकाल करके रख दे। और देख रहे हो अपनी लैम्बोर्गिनी सियान यार कितनी चमक रही है यार, आज पूरी इसकी सर्विस वगैरह करवा ली थी हम लोग उस बंदे से। और मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ, लेस्टर का घर है पीछे की तरफ ये वाला, तो अपनी लैम्बोर्गिनी को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ और चलते हैं अंदर की तरफ। और यार लेस्टर ने यार उस बंदे से पूरी बात वगैरह कर ली है जो वो डीलर है जो अपने को शोरूम सेल करेगा। तो यार वो $12 मिलियन का प्राइस तो बता रहा था, पर अपने पास है $4 मिलियन इस टाइम पर। और यार एक तो ये लेस्टर ना पूरा डोर को पूरा लॉक करके रखता है, बाहर की तरफ देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बाहर की तरफ होगा, तो नहीं यार धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, वो बाहर की तरफ तो क्या ही करेगा यहाँ पर खड़ा होकर के। तो देखते हैं यार, उसको बोलते हैं जल्दी से कि डोर वगैरह पूरा अनलॉक कर दे जल्दी से, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो यार देख रहे हो लेस्टर ने पूरा डोर को तो अनलॉक कर दिया है, और हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। और यार लेस्टर भी यहीं कहीं होना चाहिए, ये रहा सामने की तरफ। कैसे, उसी डीलर से ना बात कर रहा हूँ जिससे हमने शोरूम वगैरह परचेज़ करना है। तो देख रहे हो यार, पहले मैं सोच रहा था कि एक कोई छोटी सी ऑटो शॉप ही परचेज़ कर लेंगे, पर नहीं, जब लेस्टर ने बोला कि यार शोरूम अपने को मिल जाएगा सस्ते में थोड़ा, तो हम लोग यार सोच रहे हैं फिर शोरूम ही परचेज़ कर लेते हैं। यार पैसे का जुगाड़ थोड़ा करना पड़ेगा, या तो लोन वगैरह का देखना पड़ेगा यार, हम लोग ले करके शोरूम वगैरह ले लेंगे, उसमें से यार जो भी अपनी अर्निंग वगैरह होगी तो हम लोग उससे लोन वगैरह पूरा भरते रहेंगे। तो सही है, अब लेस्टर से पूछते हैं मेरे वाले वेपन्स कहाँ पर रखे हुए हैं जल्दी से बता दे। गाइस देख रहे हो अपने को तो यार लेस्टर ने सारे वेपन्स वगैरह दे दिए हैं, और देख रहे हो यार इस शॉटगन की स्किन कितनी ज़्यादा बढ़िया है। और लेस्टर कह रहा है जो ये तेरे हाथ में शॉटगन है ना माइकल, इसमें से भाई फायर नहीं निकलती भाई, एक एक्सप्लोजन टाइप निकलता है। जैसे कि यार मैं तो इसको ट्राई करने वाला हूँ जल्दी से जा करके, यार ये कुछ स्पेशल सी गन लग रही है मेरे को, लेस्टर कह रहा है। तो इसको कहाँ पर मार के देखें, तो यार अपने को ज़्यादा नहीं मारना, बस एक बुलेट में ट्राई करूँगा। लेस्टर घर से थोड़ा सा दूर चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं यार इसको ट्राई कर करके। और वो गाड़ी जा रही है उसको जाने देते हैं, और यहाँ पर मारते हैं उस कचरे के ऊपर। 3, 2, 1। भाई ये क्या सीन है, लेस्टर अपने को पागल बना रहा क्या? नहीं भाई लेस्टर सही में कह रहा है, एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा क्लोज मार करके देखता हूँ भाई, मैं शॉटगन उतनी दूर से वहाँ पर खड़ा होकर के वहाँ मार रहा हूँ। तो यार शॉटगन की ये भाई एमओ इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाती है, नज़दीक मारते हैं। ओ भाई यहाँ पर यार ये तो आग वगैरह फेंक दे रही है, और देख रहे हो इधर पूरा काला हो चुका है। हमने इस बोर्ड पर ये वाली शॉटगन ट्राई करी थी, और मैं इसको अंदर रखता हूँ कि पुलिस वगैरह के साइरन की आवाज़ आए तो हम लोग फंस जाएंगे। और भी वेपन्स दिए हैं, M416 है, इसकी भी स्किन कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और AK-47 है ये भी सही है, और स्नाइपर भी है। देख रहे हो इसमें जूम बहुत ज़्यादा होता है, लेस्टर ऐसा ही कुछ कह रहा था। और देख रहे हो कितना ज़्यादा यार पूरा स्कोप इसका इतना ज़्यादा बड़ा कि क्या ही बताऊँ।
और पिस्टल में से अपने पास एक ये है, एक स्टन गन भी है, बाकी ग्रेनेड वगैरह स्टिकी बम वगैरह सब कुछ है अपने पास अब तो सही है गाइस। अपने से अब ज़्यादा कोई चोड़ा वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास सारे वेपन्स आ चुके हैं, हम लोग उसको मार कर करके पूरा रख देंगे। तो लास्ट से बात करते हैं भाई, शोरूम वगैरह को पूरा बता दे। और यार ये पागल है क्या, मैं हल्का सा बाहर कैसा लगा इसे तो पूरा डोर को ही लॉक कर दिया है, जल्दी से खोल यार इसको। तो गाइज देख रहे हो लेस्ट से मेरी पूरी यहाँ पर बात हो चुकी है, उसने यार अपने को एक लोकेशन पर जाने के लिए बोला है जहाँ पर वो अपने को बंदा मिल जाएगा जो है डीलर भाई, वो ही अपने को शोरूम वगैरह पूरा सेल करेगा। तो उस बंदे के पास जा कर के पूरी बात वगैरह करते हैं कि वो शोरूम कौन सा है मुझको दिखा वहाँ पर जा कर के, और हम लोग अभी वो वाला शोरूम देखने भी जा रहे हैं। तो बढ़िया यार, थोड़ा बड़ा शोरूम है वो, कह रहा है खुला डुला है तो सही है, 12 million डॉलर में और क्या चाहिए यार अपने को। अब पूरा मॉडर्न शोरूम तो नहीं मिल सकता जिसमें पूरे ग्लास वगैरह लगे हों और बाकी बहुत कुछ हुआ हो, और सही है अब 12 million डॉलर में और क्या चाहिए अपने को। तो देखते हैं यार उस बंदी को लोकेशन पर चल करके वो अपने को पूरा शोरूम वगैरह दिखाएगा, हम लोग देखते हैं फिर इसको परचेज करना या नहीं करना। तो गाइस देख रहे हो मैं उस लोकेशन के क्लोज तो पहुँच चुका हूँ जहाँ पर उस बंदे ने अपने को आने के लिए बोला था, उसने यार इसी हॉस्पिटल के सामने आने के लिए बोला था अपने को, सेंट्रल लॉस सैंटोस मेडिकल सेंटर के सामने, और मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूँ और वो बंदा मेरे को बूढ़ा दिखाई भी नहीं दे रहा है। उसने बोला था यार जहाँ पर उसका पूरा नाम वगैरह लिखा है मैं वहीं पर हूँ, तो यार एक बार उसको कॉल लगा करके देखें कि वो कहाँ पर है यार, जल्दी से यार लास्ट को बोलता हूँ कि उसका नंबर दे, मैंने उसको कॉल करना है। तो गाइस देख रहे यार ये बंदा सामने की तरफ खड़ा हुआ है, मेरी इससे पूरी बात वगैरह तो हो चुकी थी और मैं पहले पार्किंग में लगा था अपनी गाड़ी को, और वो बंदा वहाँ पर फ़ोन चला रहा है, और अपनी लैम्बोर्गिनी को यहाँ पर मैं पार्क कर देता हूँ, और देख रहे हो सामने की तरफ है जी वैगन, मुझे उसी बंदे की लग रही है क्योंकि वो एक डीलर है यार, पैसा होगा उसके पास तो तभी वो शोरूम वगैरह पूरे सेल करता है और गाड़ियाँ भी खरीदता है अपने लिए। तो वहाँ पर भाई फ़ोन ही चलाता रहेगा, मेरे से तो बात कर ले एक बार वो शोरूम कहाँ पर है। तो गाइस देख रहे हो मेरी इस बंदे से तो यहाँ पर पूरी बात हो रही है, और देख रहे हो यार ये कह रहा है मैं शोरूम को 12 million डॉलर में ही बेचूंगा, हम लोग इसको कह रहे हैं यार थोड़ा कम प्राइस कर ले, ये मानने पे ही नहीं आ रहा है, और अब क्या ही कर सकते हैं। ये कह रहा है मेरे साथ चल मैं तुझे शोरूम दिखा देता हूँ, फिर तो बोल लियो कि यार ये महंगा प्राइस है कि सस्ता प्राइस है। देख रहे हो इसी की थी ये जी वैगन वाइट रंग की, इतनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और सही है यार इसको जाने देते हैं, मैं इसको फॉलो करूँगा कि वो शोरूम कहाँ पर है। भाई एक सेकेंड रुक तो जाना, मुझे अपनी गाड़ी को तो स्टार्ट करने दे, पहले ही भागने में लगा पड़ा, और कहाँ पर गया वो जा रहा है भाई। अब देख रहे हो यार ये तो पूरी रेड लाइट वगैरह पूरी फॉलो करता हुआ जा रहा है, अब इसको क्या पता यार हम लोग एक पूरे गैंगस्टर हैं, हम लोग कभी यार सिग्नल वगैरह नहीं फॉलो करते, और इसके करके यार अपने को भी थोड़ा फॉलो वगैरह करना पड़ेगा, आराम से खड़े जाते हैं यहाँ पर जब तक ग्रीन लाइट नहीं हो जाती है। गाइस देख रहे हो मैं उसको फॉलो करता करता तो जा रहा हूँ, और यार मैं पूरा रेड लाइट करता करता थक चुका हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा सिग्नल है ना यार रास्ते पर, और इसने ये वाला सिग्नल तो ब्रेक कर ही दिया और मैंने भी कर दिया है, तो सही है। और ये शोरूम है क्या, ये यहाँ पर आके तो रुक चुका है और अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ लेकर के जा रहा है। भाई आराम से ले जाना, इसको ड्राइविंग वगैरह नहीं आती है क्या, मैं ही इससे आगे ले जाता हूँ भाई, तू रहने दे ड्राइव करने को। अब हम लोग आराम से अपनी गाड़ी को लेकर के आ चुके हैं अंदर की तरफ, और इसका भी वेट करते हैं, अंदर लेकर भी आनी थी कि नहीं लेकर आनी थी यार, आ भी जा। इसने भी अपनी जी वैगन को यहाँ पर पार्क तो कर दिया है, और यही शोरूम है यार, इसका नाम है मोसलीज, पता नहीं कैसा नाम है पर सही है यार शोरूम तो लग रहा है मेरे को, और पूरा यार खुला डुल्ला शोरूम लग रहा है जैसे ये पूरा बंदा बोल रहा था, और सही है। और यहाँ पर थोड़ी बैठने की जगह है यार, ये वेटिंग रूम कह सकते हैं इसको, और ये यहाँ पर ऑफिस है एक, तो यहाँ पर काउंटर कह सकते हैं, और ये कौन सा डोर है यार, वो अपने को अलग ही दिखा रहा और मैं अलग ही देख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा ये बाहर जाने का डोर है, और यहाँ पर भी एक डोर है शायद से, ये भाई खुला हुआ है, और देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का इधर सब सिस्टम है, और कितना बड़ा है यार इसमें पता नहीं, शायद से इतने डोर वगैरह हैं, रेस्ट रूम है ये तो सही है, इसमें सब कुछ है यार, पूरा रेस्ट रूम वगैरह सब कुछ है, बाथरूम भी है, और यहाँ पर तो सही है यार अपना मैकेनिक यहाँ पर पूरी मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता है यार, तो हम लोग उसको एक और मैकेनिक रखने के लिए कह देंगे कि जो तुझे सही लगता है वो मैकेनिक तो पकड़ करके ले आ। और सही है यहाँ पर अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशंस वगैरह होती जाएंगी, और सामने की तरफ भी ऊपर छोटा सा एक रूम है मैकेनिक का रूम भाई, तो सही है मेन लीडर है यार हम लोग होंगे उस शोरूम के, और वो अपने अंडर काम करेगा, तो भाई बढ़िया यार शोरूम तो पूरा शीशे का रूम वगैरह लगवा रखा है, और यहाँ पर मैकेनिक की शॉप भी है यार, शोरूम के अंदर ही मॉडिफिकेशन वगैरह पूरी होती जाएंगी, और ये शटर भाई चल भी रहा है कि ऐसी ख़राब पड़ा है,
नहीं यार ये तो पूरा वर्किंग है तो बढ़िया बात है अपने लिए। अपने को यार कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, इस शोरूम में सब कुछ पहले ही ओके पड़ा है। और यहाँ पर भी एक रूम है, इसमें जा कर के देखते हैं। और यहाँ पर यार सही है, यहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं सब, जो भी अपनी टीम है, फ्रैंकलिन, ट्रेवर और लेस्टर और माइकल। यहाँ पर यार टीम वाला रूम है एक तरह का, इतना बड़ा टेबल लगा और कुर्सियाँ भी पड़ी थी तो सही रहेगा। और ये रूम भी है एक, और ये तो यहाँ पर मेन रूम है। गाइस यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़वा सकते हैं सैर वगैरह करने के लिए। और ये शटर खुलता है क्या? तो हाँ यार ये भी आसानी से खुल चुका है अपनी गाड़ी को अंदर बाहर ले जाने के लिए। पर वो बंदा सामने की तरफ खड़ा। और ये एक और ऑफिस है क्या यहाँ पर? भाई कितने ऑफिस पड़े हैं। और यहाँ पर थोड़े से टूल्स वगैरह भी पड़े हुए हैं कार के। और यहाँ पर लैम्बोर्गिनी की फ़ोटो और मस्टैंग की लाइट्स वगैरह की सबकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई है। और सही है यार मुझको तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये शोरूम। और लेस्टर भी कह रहा था माइकल अगर तुझे ये बढ़िया लगे तो तू परचेज़ कर सकता है। तो भाई मैं पक्का इसी को परचेज़ करूँगा 12 मिलियन डॉलर में। और क्या चाहिए यार अपने को, ATM वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। तो भाई एकदम OP शोरूम लग रहा है मेरे को। तो गाइज देख रहे हो ये बंदा कह रहा है यार मुझको पता ही था तुझे ये बहुत बढ़िया शोरूम लगेगा 12 मिलियन डॉलर के हिसाब से। तो मैंने इसको भी बोल दिया कि तू आगे किसी को मत सेल कर देना ये वाला शोरूम, इसे तो हम ही परचेज़ करेंगे। तो सही है यार, उसने भी बोल दिया कि हाँ मैं किसी को नहीं सेल करूँगा, बस तुम लोग अपनी पेमेंट वगैरह तैयार रखना, कब बता देना यार फ़ोन वगैरह करके कब पेमेंट करनी है और मैं इस शोरूम को तुम्हें ही सेल करूँगा। तो सही है यार शोरूम काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अपनी गाड़ी में बैठ करके अब लेस्टर के पास चलते हैं कि यार शोरूम काफ़ी बढ़िया है, अब अपने को यार वो शोरूम परचेज करनी है जैसे जैसे, बस तू पैसे वगैरह का जुगाड़ कर ले पूरा और लोन वगैरह कर दे कि कहाँ से मिलेगा अपने को लोन। और यार मेन उसका भरना भी पड़ेगा ना लोन जो भी हम लोग लेंगे। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पर इस शोरूम का पूरा नाम भी लिखा हुआ है, मोस्टली ऑटो सर्विस। भाई सब कुछ यहाँ पर हो जाता है रिपेयर वगैरह, बस 2-3 दिन में ये अपना ही हो जाएगा। तो सही है यार एकदम बढ़िया रहेगा, माइकल का एक साइड बिजनेस ओपन हो जाएगा शोरूम का। तो गाइज मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस शोरूम को परचेज करने के लिए। और आप लोगों को भी कैसा लगा जरूर से मुझको कमेंट्स वगैरह कर करके बता देना। और यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी जो से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार चलते हैं हम लोग लेस्टर के घर पर। और भाई ये क्या था यार, इतनी ज़्यादा बड़ी वाली जंप हो गई थी अपनी कार की। भाई बच गए यार, अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी जिस करके हम लोग बच गए, नहीं तो ये ट्रक वाला भी मरता और हम लोगों की गाड़ी भी पूरी टूट जाती यार गंदी वाली। और हम लोग जल्दी से अब चलते हैं लेस्टर के घर पर भाई। तो गाइस मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आराम से ही ड्राइव कर लेता हूँ, कहीं और ही ठुक ठुक आ जाए तो और ज़्यादा खर्चा वगैरह बैठ जाएगा। तो यार मैं उस मैकेनिक को भी कॉल करके बता देता हूँ उसकी लोकेशन वगैरह, वो पूरा जा करके उस शोरूम को चेक कर लेगा कि कैसा लग रहा है। मेन तो अपना ही शोरूम होने वाला है, बस वो अपने अंडर काम करेगा रिपेयर वगैरह करने का और हम लोग उसको या फिर उसकी सैलरी वगैरह देते रहेंगे। तो सही है अब मैं चलता हूँ जल्दी से लेस्टर के घर पर। तो गाइस देख रहे हो मैं अपनी गाड़ी को लेकर के आ चुका हूँ लेस्टर के घर पर। बस यार अपने को लेस्टर से पूरी बातचीत करनी है कि यार अपने को पैसे वगैरह कैसे मिलेंगे, तो जल्दी से बता दे अपने को यार अपने को वो वाला शोरूम वगैरह पूरा परचेज़ करना है क्योंकि वो शोरूम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो अपना मैकेनिक है उसको भी मैंने कॉल तो कर दिया था। और लेस्टर भाई शुक्र है बाहर की तरफ ही खड़ा हुआ है, नहीं तो डोर वगैरह फिर से नॉक करना पड़ता और ये फिर घंटा भाई लगा देता है पूरा डोर को अनलॉक करने में। तो यार सबसे पहले इससे बात करते हैं। तो गाइज अपनी पूरी लेस्टर से यहाँ पर बात तो हो चुकी है और इसके दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा है यार। मैं तो सोच रहा था पूरे लीगल तरीके से हम लोग लोन वगैरह लेकर के उस वाले शोरूम का परचेज़ करेंगे। और ये कह रहा है माइकल जो हमने कल वेपन चुराए थे ना उसको हम लोग सेल करेंगे और नॉर्थ यंगटन तो ये जाना पड़ेगा उन वेपन्स को सेल वगैरह करने के लिए, तो हम लोग उस पैसों से उस वाले शोरूम को परचेज़ कर लेंगे। और मैं आपको बताता हूँ मैं इस टाइम पर कहाँ पर जा रहा हूँ। और यार मैं जा रहा हूँ एक हेलीकॉप्टर लेने के लिए। लेस्टर पूरा यार जो भी बॉक्सेस वगैरह हैं उनको थोड़ा बाहर की तरफ निकाल देगा, पूरा यार कंटेनर वगैरह में भर देगा, जैसे भी वो पैकिंग वगैरह करके रख देगा। बस अपने को वो वाला जो भी बॉक्स वगैरह होगा हेलीकॉप्टर में डाल करके ले करके जाना है नॉर्थ यंगटन में, उसको सेल वगैरह करना है। तो गाइस लेस्टर अपने को कह रहा है जो अपने वेपन्स है वो 10 मिलियन डॉलर से नीचे के सेल नहीं होते। तो सही है अगर 10 मिलियन डॉलर के वेपन सेल हो जाते हैं तो हम लोग शोरूम को आराम से परचेज़ कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के, अपने को कोई लोन वगैरह नहीं भरना पड़ेगा। बस हमने नॉर्थ यंगटन जाना है अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के और वहां पर वेपन्स को सेल करना है। और लेस्टर ने वहां पर एक गैंग से भी बात कर लिया है जो वेपन्स को ख़रीदने के लिए तैयार है, बस हमें उनको वेपन्स की प्राइस वगैरह बतानी है। और मैं अभी बच चुका हूँ टूकने से, ट्रक वगैरह भाई देख ही नहीं जाता, ये पूरा ट्रक को भगाता जा रहा है बस आगे की तरफ। भाई आगे भी देखना होता पीछे ही नहीं देखते जाना।
तो सही है यार, अब अपनी गाड़ी को मैं लेकर के चलता हूँ उस लोकेशन पर जहाँ पर अपने को लेस्ट ने बोला है हेलीकॉप्टर लेने के लिए। तो जल्दी से यार मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ फुल स्पीड में, चलता हूँ उसी लोकेशन पर। गाइज मैं अपनी गाड़ी को लेकर के उस लोकेशन के क्लोज तो पहुँच चुका हूँ जो लोकेशन अपने को लेस्टर ने बताई है, और अपने को बस सीधा जा कर के राइट में घूमना है। ये वाली लोकेशन है यार, आप लोगों ने देखी होगी कहीं ना कहीं तो, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं। और यार फालतू का स्क्रैच लग जाएगा, हम लोग अपनी गाड़ी को बीच में से निकाल देते हैं तो सही रहेगा। अपनी पार्किंग में लगाते हैं अपनी गाड़ी को, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स वगैरह लैंड होते हैं और मिल जाते हैं, जिनके हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर खड़ा सकते हैं तो सही है। और वो अपने को बंदे वगैरह ढूंढने पड़ेंगे जो भी अपने को हेलीकॉप्टर देंगे, और तीन हेलीकॉप्टर यहाँ की तरफ खड़े हुए हैं, और दो बंदे दिखाई दे रहे हैं मुझको मेरे लेफ्ट साइड में ही खड़े थे, और दो उस साइड को दिखाई दे रहे हैं। तो इनसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई हमें लेस्टर ने भेजा है, तुम लोग कौन हो यार, अपने को हेलीकॉप्टर वगैरह दे रहे हो कि नहीं दे रहे। तो यार अपने इन बंदे से तो बात हो चुकी है, और ये लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग लेस्टर के ही बंदे हैं, हमारे ही लेस्टर से बात पूरी हुई थी। और जो देख रहे हो ये वाइट वाला हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर इनका है, हम लोग इसको ले जा सकते हैं 2 दिन के लिए नॉर्थ यंगटन के लिए। तो सही है यार, पूरा अभी तो चमक रहा है, कहीं जाते जाते कहीं गंदा वगैरह पूरा हो जाए और अपने से ये लोग कुछ ज़्यादा ही पैसे वगैरह मांगने लग जाएं। तो लेस्टर ने इनको ऑनलाइन पेमेंट तो दे दी थी थोड़ी सी इस हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए नॉर्थ यंगटन पर। और यार हेलीकॉप्टर तो काफ़ी सही लग रहा है, पूरा क्रोम कलर का पीछे से इसकी रिफ्लेक्शन चेक कर रहे हो कितनी ज़्यादा आ रही है। और मैं यार इस हेलीकॉप्टर को ले जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के पास, और ये टेढ़ा बिंगा सा पता नहीं क्यों चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। वैसे हेलीकॉप्टर सही है, अब सही चल रहा है यार, पहले मेरे से गलत ही स्ट्रेनिंग घूमा हुआ था तो जिस करके ये टेढ़ा ही होता जा रहा था। तो जल्दी से मैं पहले चलता हूँ लेस्टर के पास। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस हेलीकॉप्टर में हम लोग यार वेपन्स को कैसे लेकर के जाएंगे, तो यार अपने को पूरी रस्सी वगैरह लटकानी पड़ेगी जो ये नीचे देख रहे हो, नीचे की तरफ रस्सी यहाँ वगैरह अपने को लटकानी पड़ेगी, और जो भी बॉक्स होगा वो लेस्टर इससे बांध देगा। क्योंकि अगर हम लोग कंटेनर उठाने वाला हेलीकॉप्टर लेकर के आते वो अपने को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता और मिलना भी मुश्किल था। तो सही है यार, लेस्टर ने यही वाला हेलीकॉप्टर बुक करवा दिया है, तो रस्सी वगैरह बांध कर हम लोग उस वाले वेपन्स को ले जाएंगे नॉर्थ यंगटन पर बेचने के लिए। तो सही है, सबसे पहले चलता हूँ मैं लेस्टर के पास। तो गाइज मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के लेस्टर के घर पे तो पहुँच चुका हूँ, बस एक ही बात पड़ रही है मैं अपने हेलीकॉप्टर को लैंड तो कहाँ पर करवाऊँ। और यार अपने पास अभी कपड़े भी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ यंगटन आपको पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ी होती है। और माइकल ने अभी भाई हाफ़ टी शर्ट पा रखी है और एक पैंट पा रखी है बस। और यार दिक्कत हो जाएगी अगर हम लोग हाफ़ टी शर्ट में जाएंगे तो भाई माइकल की पूरी तबीयत वगैरह भी ख़राब हो सकती है, तो अपने को कपड़े वगैरह चाहिए होंगे, तो देखना पड़ेगा यार। अपने हेलीकॉप्टर को मैं तो सोच रहा हूँ किसी छत के ऊपर लैंड करवा देता हूँ, ये जगह मुझको बिल्कुल सही लग रही है जो सामने की तरफ है, देख रहे हो खाली छत है पूरी। और छत नहीं भाई, मैं तो सोच रहा हूँ इस गली में कोई आता जाता तो है नहीं है, तो रोड इतनी ज़्यादा खाली पड़ी है, तो यहीं पर मैं अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवा देता हूँ। और फाइनली ये पूरा सेफ लैंड तो हो चुका है, और सही है यहाँ पर क्योंकि कोई आता जाता तो है नहीं है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। अब मैं भाग करके चलता हूँ लेस्टर के पास और उससे बातचीत करता हूँ कि तेरे पास कोई भाई स्वेटर वगैरह है तो मुझको दे दे। तो ये खड़ा लेस्टर मैं अंदर की तरफ जाने लगा था, और इसने शायद वेपन्स, हाँ यार इतने वेपन्स सही हैं, हम लोग इसको बांध देंगे अच्छी तरह अभी, और हेलीकॉप्टर से पूरा यार अटैच वगैरह हो जाएगा तो सही रहेगा। अपने को ध्यान रखना है यार, अपने हेलीकॉप्टर को स्लो स्लो ड्राइव करते जाना है। फिर भाई ये फाइनली अपने वेपन पूरे नॉर्थ यंगटन पर चले जाएंगे, तो इससे बात करते हैं यार अपने को कोई कपड़े वगैरह दे डालने के लिए। गाइस देख रहे हो मैंने लेस्टर घर से एक स्वेटर तो पा लिया है, ये कुछ येलो रंग का है, तो सही है यार इससे थोड़ी ठंड वगैरह माइकल की रुक जाएगी। और मैं अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लेकर के आता हूँ लेस्टर, तू भाई उनको बांधने के लिए पूरा तैयार रहे। और सही है लेस्टर पूरा बांध देगा तो हम लोग सीधा चल पड़ेंगे नॉर्थ यंगटन के लिए। तो भाई अपने पास भी पैसे वगैरह आ जाएंगे तो हम लोग फाइनली पूरा अपना शोरूम वगैरह पूरा ले सकते हैं। तो गाइस मैं अपने हेलीकॉप्टर में तो बैठ चुका हूँ, अब इसको स्टार्ट करते हैं, बस ये एक बार अच्छी तरह से बन जाए उन वेपन्स के साथ तो बढ़िया रहेगा। और भाई कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह तो पूरा बन जाए। और लेस्टर के घर पर यार ये पेड़ भी लगा हुआ है यार, ये दिक्कत दे सकता है थोड़ा सा अपने को वेपन्स वगैरह बांधने के लिए। और भाई अभी बच गए, पूरा क्रैश वगैरह हो जाता जैसे तैसे यार हम लोग पूरा रोप्स वगैरह से इसको बांध देते हैं वेपन्स को अपने हेलीकॉप्टर के साथ। तो लेस्टर भाई जल्दी बाहर आ, अपने को इसको बांधना है। देख रहे हो यार यहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका है और अपने हेलीकॉप्टर के साथ ये सब वेपन्स पूरे अटैच हो चुके हैं यार। लेस्टर ने इतना टाइम लगा दिया ना इन्हें बांधने के लिए, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो गाइज हमें उस बंदे का भी कॉल आया था जिससे हमने शोरूम को परचेज करना है, वो कह रहा है यार तुम लोगों ने शोरूम को परचेज करना है कि नहीं। तो लेस्टर ने बोला यार मैं तुझे हाफ पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट दे अपना। तो सही है यार, लेस्टर ने भी अपनी पेमेंट वगैरह पूरी ट्रांसफर कर दी होगी हाफ,
और हम लोग भी जा रहे हैं वेपन्स को सेल करने के लिए नॉर्थैम्पटन के लिए। तो चलो गाइस देख रहे हो ये कुछ जुगाड़ सा लगाया था लेस्टर ने यहाँ पर बांधने के लिए इन वेपन को। अपना पैसा भी बच चुका है क्योंकि अगर जो वो वाला हेलीकॉप्टर लेकर के आते जिसमें पूरा कंटेनर वगैरह अटैच होता तो अपने उसमें बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होते उस वाले हेलीकॉप्टर को लेकर आने के लिए। तो चलो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जोर से जाकर के लाइक कर दो और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी जोर से सब्सक्राइब कर लो। तो कमेंट्स कर जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। तो गाइस मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।